नमस्कार दोस्तों, नॉलेज इन यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन हैंडसेट Xiaomi की तरफ से, MIA1। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में है Xiaomi का MIA1 हैंडसेट, जो कि अपने आप में एक यूनिक हैंडसेट है Xiaomi की तरफ से, क्योंकि इसमें Android 1 दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इट हैज अ हाइब्रिड सिम ट्रे, मतलब उसमें एक हाइब्रिड सिम ट्रे दी गई है। इसमें या तो आप दो सिम या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। पर हमारे जैसे कई पावर यूजर्स होते हैं जिनको सब कुछ चाहिए होता है। बहुत ही बेहतरीन उम्दा कैमरा है, पर इसमें मेमोरी कम पड़ती है। सो उसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास ये दो सिम कार्ड हैं, जो एक जियो का है जो कि डेटा के लिए है, कॉलिंग के लिए आइडिया, और हमारे पास है ये हाइब्रिड एक्सटेंडर ट्रे। अब ये काम कैसे करता है, इसे लगाने के बाद आप दोनों सिम और माइक्रो SD कार्ड 1, 2 और 3 तीनों साथ में यूज कर सकेंगे। सो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले आप अपने ट्रे को अच्छी तरह देख लें कि कौन सा साइड कौन सी तरफ है, कौन सा सिम कार्ड कौन सी तरफ है। अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 और नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इस सिम कार्ड का शेप भी आपको दिख रहा है। तो पहला ले लिया। यूजुअली मेरी चॉइस होती है कि अब इसमें दूसरी दिक्कत ये भी है कि सब कुछ फोन के अंदर नहीं रहने वाला है। एक बात का ध्यान रखें, ये हैंडसेट वाटर रेजिस्टेंट है। ये हैंडसेट पर्टिकुलरली जो मेरे हाथ में जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एक बार बीच पे गिर चुका है, जिस पे बहुत सारा समुंदर का पानी जा चुका है। पर फिर भी आई रियली टेल यू ऑल कि इस हैंडसेट इट वर्क कम्प्लीटली फाइन, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस प्रोसेस के बाद ये हैंडसेट उतना वाटर रेजिस्टेंट नहीं रहेगा। इसमें पानी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर ये सिम की एरिया से एंटर करता है फ़ोन में, तो इट इज़ 100% गारंटीड दैट इट विल डैमेज योर फ़ोन। सो ये प्रोसेस करने से पहले आप उतना ध्यान रखें कि आप अपनी वाटर रेजिस्टेंट एबिलिटी लूज़ कर रहे हैं। बट मेरे जैसे पावर यूजर्स होते हैं जो जिन्हें कैमरा चाहिए होता है, बहुत सारी मेमोरी चाहिए होती है, बट दे विल टेक केयर कि ये पानी में हैंडसेट ना गिरे या उसके इर्द गिर्द पानी ना आए। सबसे पहले हम अपने सिम कार्ड ट्रे पर यहाँ पर एक कॉलिंग का जो कार्ड है वो प्लेस कर देते हैं, और हाइब्रिड होने की वजह से यहाँ पे या तो आप छोटे साइज का दूसरा सिम कार्ड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर एक माइक्रो SD कार्ड। मेरे पास, मेरे हाथ में एक 64 GB माइक्रो SD कार्ड है, जिसे ध्यान से आपको इसके ऊपर रखना है। अब ये हो गया पूरा ट्रे और आपको सीधा डाल देना है। पर एक बात याद रहे, इट्स जस्ट 1 SIM and 1 माइक्रो SD कार्ड। अब यहाँ पे आपको एक और सिम कार्ड ऐड करना है, उससे पहले फिर से आपको एक बार माइक्रो SD कार्ड उठा लेना है। आपको देख लीजिए साइड, यहाँ पर भी एक कट दिया हुआ है कि एक्चुअल जो सिम कार्ड है जो इसको कॉपी कर रहा है वो ये शेप में रहेगा। अब उस शेप पर प्लेस कर दी। अब मैं लगाने जा रहा हूँ हमारा हाइब्रिड एक्सटेंडर ट्रे। मार्केट में बहुत ही सस्ता है ये, तकरीबन आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये की रेंज में ये मिल जाएगा। आपको सीधा पहले इसे नीचे से लाना है। आप अपनी कट देख लीजिए, थोड़ा सा एज टू एज मैच कर लीजिए उसे, और इसे दबा दीजिए दूसरे सिम कार्ड की साइड में। ओके, अब आपको उसके ऊपर रखना है ना माइक्रो SD
कार्ड जो ऐसे प्लेस होगा जिसके नीचे सिम हाइब्रिड जाएगा, तो जब आप उसे उल्टा करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपको एक सिम कार्ड, दूसरा सिम कार्ड जो कि कॉपी होगा एक्सटेंडर से, और बीच में माइक्रो एसडी कार्ड। अब इसको आपको ऐसे के ऐसे ही आराम से फोन में एंटर करना है। आपका होल मैच कर लीजिए। ध्यान रखिए, इसमें जबरदस्ती जरा भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये नुकसान कर सकता है आपके सिम इंटरनल स्लॉट को। यहाँ पे डॉट है, आप अपना डॉट मैच कर लीजिए। मेरे हाथ में ये उल्टा है, मैं इसे सीधा कर दूंगा डॉट की तरफ से। बहुत पेशेंस की जरूरत होती है इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। अपने आराम से हाथों में लेकर इसे सीधा जाने दें। अब जब ये सिम कार्ड आता है, आपको थोड़ा सा होल्ड रखिए, आराम से अंदर डाल देना है। अब जो बेल्ट बाहर रह गया है उसमें आपकी जाएगी सेकेंड सिम। स्मॉल साइज सिम कार्ड कट है, नैनो नहीं है, उतना ध्यान रखें। अब इसमें प्रिंट हुआ है सिम कार्ड का शेप। मां शायद पता नहीं आपको ये वीडियो में दिखे या नहीं, पर यहां पे आपको दिखेगा सिम कार्ड का शेप। उसी शेप में आपको सिम कार्ड इसमें एंटर करना है। अब यहाँ पे हमने अपना सिम कार्ड जो है वो बाहर ले लिया है और इसे चिपका देंगे बॉडी पर टू साइड क्लिप के जरिए। सीधा आराम से रख दें और हल्के हाथ से उसे दबा दें। अब जनरली यस, अगर आप कवर के बिना इस फोन को यूज करेंगे तो जरूर आपको दिक्कत होगी और चांसेस है कि यस सिम कार्ड इसमें से गुम हो सकता है, गिर सकता है। इससे बचने के लिए आप अच्छा कवर कोई परचेज कर सकते हैं। मेरे पास एक कवर है, मुझे शायद पता नहीं है ये कौन सा कवर है, कहाँ से लिया, बट अच्छा लगा और हमने यूज़ किया है। थोड़ी सी उसमें जगह रख के आप आराम से ऊपर सकते हैं और आराम से इसे बिठा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फोन में दो सिम कार्ड, एक जियो का और एक आइडिया का एक्टिव है, और हमारे फोन में मेमोरी कार्ड भी डिटेक्ट हो चुका है सैंडिस्क का, जो कि 64 GB है। सो कुल मिला के हमारे पास 128 GB डेटा है इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के, और हमारे पास है दोनों सिम कार्ड। सो इसी तरह आप एंजॉय कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इसके अपने फायदे हैं और इसके साथ ही इसके अपने नुकसान भी हैं। अगर आपके पास अच्छा कवर नहीं है तो मैं इसे करने की सलाह नहीं दूंगा। ध्यान रहे। थैंक यू, धन्यवाद।